मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं, किसी भी नेता की लोकप्रियता का पता लगाना हो तो उसकी रैलियां या सभाओं में भीड़ देखकर पता लगा लिया जाता है कि नेता में कितना दम है और कितनी तादाद में लोग उसे सुनने के लिए आते हैं। ऐसा ही कुछ राजस्थान में देखने को मिला। सचिन पायलट की महापंचायत की चर्चा अब राजस्थान से बाहर निकलकर दिल्ली तक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की रैलियों से अधिक भीड़ जुटाकर पार्टी हाईकमान को सचिन पायलट ने यह संदेश दे दिया है कि क्राउड पुलर सचिन पायलट का ही है, अशोक गहलोत का नहीं। राहुल गांधी की रैलियों का आयोजन मुख्यमंत्री गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया था, लेकिन उतनी भीड़ नहीं जुटा पाए जितनी भीड़ किसानों की सचिन पायलट ने जुटाई। भीड़ देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि गुर्जर और मीणा बाहुल्य इलाकों में सबसे लोकप्रिय नेता सचिन पायलट ही है। सचिन पायलट को सुनने के लिए लोग दूर दराज क्षेत्रों से भी आए, उससे यह पता लगाया जा सकता है कि पायलट की अभी भी जमीन पर कितनी मजबूत पकड़ है। दूसरी तरफ सचिन पायलट ने अशोक गहलोत गुट के दो विधायकों को मंच पर लाकर पार्टी आलाकमान नेताओं को यह संदेश दे दिया है कि राजस्थान में मैच एकतरफा नहीं है। सचिन पायलट ने महापंचायत बुलाकर शायद पार्टी हाईकमान तक भी यह संदेश पहुंचा दिया है कि कांग्रेस का राजस्थान में भविष्य वही है। खास बात यह भी रही कि इस महापंचायत में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर भी उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी। उम्मीद है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की नारेबाजी की गूंज कांग्रेस आलाकमान नेताओं तक जरूर पहुंच गई होगी। वहीं आपको बता दें, खबर यह भी मिल रही है कि सचिन की इस महापंचायत पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी नजरें बनी हुई थी और इसी वजह से इस महापंचायत की चर्चा कहीं न कहीं दिल्ली में भी हो रही है।